सर, मैंने तो मिलेनियम ट्रैक ज्वाइन कर लिया, अब क्या करें? कैसे मिलेनियम ट्रैक में लॉगिन करें, कैसे आईडी को, अपने प्रोफाइल को कैसे सेटअप करें, क्या उसमें करना है नहीं करना है, कौन सा सेटअप पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, इसके बारे में हम सारी जानकारी आपको देंगे। और ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्या है ना कि आजकल आदमी वीडियो नहीं देखता है, आजकल ज़्यादातर लोग शॉर्ट देखते हैं, थोड़ा थोड़ा वीडियो देख के, फुल वीडियो कोई देखता ही नहीं है। और इसलिए जो देखते भी हैं वो ज़्यादातर स्किप करके देखते हैं, थोड़ा थोड़ा भागा भागा के देखेंगे, तो उससे क्या होता है ना कि जो जानकारी होती है ना वो छूट जाती है बीच बीच में, और उससे आदमी को समझ में नहीं आता और बाद में वो परेशान होता है, बाद में यूट्यूब पे ढूंढता है, बाद में और कहीं कि सर मुझे ये बताइए इसके बाद क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, बिना स्किप किए, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे और हम आपको बताते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोई भी ब्राउजर हम अपना ओपन कर लेंगे, ठीक है, चाहे क्रोम कर सकते हैं या फिर गूगल कर सकते हैं। किसी भी ब्राउजर को हम ओपन करने के बाद यहाँ टाइप करेंगे मिलेनियम ट्रैक, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे मिलेनियम ट्रैक लॉगिन, आ जाएगा, खुल जाएगा। जैसे ये खुलेगा इसके बाद ये ऊपर का ये जो पहला दिख रहा है ना मिलेनियम लॉगिन टू मिलेनियम ट्रैक, इस पे हम ओके करेंगे, टच करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज और देखिएगा, जो मिलेनियम ट्रैक .com हो उसी पे आप टच करिएगा, ये पहला वाला है, ठीक है, हम इस पर टच करते हैं। जैसे हम इसको टच करेंगे यहाँ हमारा लॉगिन का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ ऊपर हम अपना जीमेल डालेंगे, ठीक है, और नीचे जो हम पासवर्ड हमको मिला होगा जब आईडी हम लॉगिन किए होंगे, आईडी को ज्वाइन किए होंगे जब पैसे देकर, तो जो पासवर्ड आपको मिला होगा वो पासवर्ड यहाँ डालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस पे अपना लॉगिन कर देते हैं, ठीक, और यहाँ रिमेम्बर मी पे टिक करके यहाँ लॉगिन पे टच कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये चीज हमारा खुल गया, अब इसको हम ऊपर से नीचे तक इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो 4.com जो दाहिने टाइप साइड में 4 डॉट जो दिया है लाइनिंग, उस पे हम टच करेंगे। अब जैसे हम टच करेंगे तो इसमें सबसे पहला काम आप अपना प्रोफाइल ऐड कीजिए, प्रोफाइल पिक को आप ऐड कर सकते हैं, प्रोफाइल सेटअप कीजिए, ठीक है। तो यहाँ हम प्रोफाइल पर टच करेंगे, यहाँ दिया है पर्सनल इंफॉर्मेशन पहले नंबर पे, ठीक है, तो यहाँ हम पर्सनल इंफॉर्मेशन पे जाएंगे। जैसे हम पर्सनल इंफॉर्मेशन पे जाएंगे तो यहाँ सबसे ऊपर देखिए कॉपी टू रेफरल लिंक दिया है, ठीक है, तो इस लिंक को हम कॉपी करके व्हाट्सएप पे रख लीजिए या और भी कहीं आप सेव करके रख लीजिए, ताकि किसी को अगर ज्वाइन करना हो तो आपको बार बार आईडी खोलने की जरूरत ना हो, आप इसी को उठा के किसी पे भी शेयर कर सकते हैं और अपने लिंक से किसी को ज्वाइन कर सकते हैं अपने नीचे, ठीक है। तो इसको कर लीजिए। दूसरे नंबर पे यहाँ नीचे आप देखेंगे तो यहाँ दिया गया रिस्पॉन्सर नेम, ये रिस्पॉन्सर नेम का मतलब ये होता है कि हम जिसके नीचे ज्वाइन हुए हैं, जिसके नीचे मेरी आईडी लगी है, उसका नाम और उसकी रिस्पॉन्सर आईडी का जो नंबर होता है आईडी नंबर, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा नीचे, ठीक है। अगर आपको देखना हो कि हम किसके नीचे जुड़े हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं अपने पर्सनल डिटेल से, ठीक है। उसके बाद जब पर्सनल इंफॉर्मेशन नीचे जब देखेंगे तो पर्सनल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, यहाँ सारी चीजें आपकी भरी हुई होगी, ठीक है, आपका नाम, आपका आईडी, रिस्पॉन्सर आईडी, आपकी जीमेल, आपका मोबाइल नंबर, यहाँ नीचे जो है अगर ऑप्शन खाली होगा तो वो सिटी का, ठीक है, सिटी और एड्रेस का, तो यहाँ आप अपना सिटी डाल दीजिएगा और जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा उसको डालिएगा, ठीक है। जैसे आप इसको डाल देंगे तो यहाँ नीचे दिया होगा अपडेट इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो यहाँ अपडेट इंफॉर्मेशन पे आप टच करिएगा तो ये आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है, आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। अब इसके बाद हम फिर आएंगे यहाँ पे प्रोफाइल पे, माय प्रोफाइल, अब उसके नीचे दिया है दूसरे नंबर पे चेंज प्रोफाइल इमेज, ठीक है, तो यहाँ से अपना इमेज को
आप सेटअप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आप पहले कोई इमेज लगाए हैं तो उसको चेंज करके दूसरा लगा सकते हैं। यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और ये आपके गैलरी में खुल जाएगी। फिर वहां से आप जो भी प्रोफाइल पिक्चर रखे हो आप उसको यहाँ पे ओके करिएगा और यहाँ अपडेट प्रोफाइल इमेज पे क्लिक करिएगा, यह आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। ठीक है, अब इसी में माय प्रोफाइल में ही नीचे दिया है चेंज पासवर्ड। ठीक है, तो ये चेंज पासवर्ड जब आपको करना होगा तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो आपको नया पासवर्ड आपको बनाना हो, जो नया, ऐसे तो आपके पास करंट पासवर्ड जो आपके रिस्पॉन्सर होंगे उन्होंने बना के दे दिया होगा आपको, तो अगर आपको वही रखना है तो उसी को रखिए, या फिर उसको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अगर चेंज करना है तो यहाँ इंटर द न्यू पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, आपको जो पासवर्ड रखना है उसको आप पासवर्ड को यहाँ टाइप करिएगा। ठीक है, उसके नीचे दिया है रिपीट पासवर्ड, जो ऊपर में पासवर्ड आप डाले रहिएगा वही पासवर्ड सेम नीचे डालिएगा, अगर अंतर होगा तो नहीं लेगा। ठीक है, वो एरर दे देगा। आप ऐसे डालने के बाद यहाँ नीचे देंगे चेंज पासवर्ड लिखा है नीले कलर में, हरे कलर में सॉरी, इस पे आप टच करिएगा, आपका पासवर्ड यहां से चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका प्रोफाइल का, आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे क्या सेटअप करना है, फिर यही जो चार लाइन दिया है बाएं साइड में उस पे क्लिक करेंगे, उसके नीचे दिया है प्रोफाइल के नीचे दिया है फ्लैट पैनल पे टच करेंगे। अब यहाँ पे पहला दे रहा है डैशबोर्ड। ठीक है, तो अगर हम डैशबोर्ड देख लेंगे तो ये अभी नई आईडी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स दिखाएगा कि आपका क्या डैशबोर्ड में मतलब कितने अर्निंग हुई है नहीं हुआ है, क्योंकि ये देखिए ये नया डैशबोर्ड है इसलिए इसमें कोई अर्निंग नहीं है, सिर्फ जीरो 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 जीरो, सब कुछ जीरो जीरो है। ठीक है, क्योंकि अभी इस पे हमने काम नहीं किया है इसलिए ये आईडी पे अभी सब कुछ जीरो जीरो है। ठीक है, करेंगे फोर डॉट पे, तो इसमें दूसरे नंबर पे डैशबोर्ड के नीचे देखिएगा अफलेट कमीशन दे रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका जितना आपका कर्न किए होंगे, जिससे जो कमीशन मिला होगा उसके बारे में दिखाएगा कि किसे को मैंने ज्वाइनिंग में कितने मुझे परसेंटेज कमीशन मिला है, क्या मिला है, इसके बारे में देगा। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है केवाईसी। ठीक है, तो सब इसके बाद हम यहाँ केवाईसी करेंगे। ठीक है, जैसे हम केवाईसी पे यहाँ टच करेंगे तो ये चीज खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ जैसे खुलेगा यहाँ ऊपर डालेंगे अपना नाम, नीचे बैंक का अकाउंट नंबर, उसके नीचे बैंक का नाम, आईएफसी कोड और ब्रांच, और अपना एक यूपीआई आईडी डाल देंगे। ठीक है, इसको डालने के बाद यहाँ नीचे दिया होगा सबमिट, क्लिक टू हेयर, यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे और ये चीज हमारा अकाउंट अप्रूवल के लिए चला जाएगा। इसको अप्रूवल होने में 24 घंटे का टाइम लगता है, 24 घंटे के बाद जैसे आपका केवाईसी कंप्लीट होगा यहाँ पे केवाईसी स्टेटस में अप्रूव्ड लिख देगा। इसको करने से ये होगा कि आप जब भी पैसे आप के कमीशन या जो भी आपके पैसे आपके इसमें आएंगे, जो आप कमाएंगे वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ये लीडर बोर्ड में अब जैसे आप उसको आप टच कर देंगे तो यहाँ देखिएगा इसमें दिखाएगा दिस वीक, मतलब इस वीक में कितने लोग ने सबसे हाईएस्ट जो पैसा जो अर्न किए हैं उनका दिखाएगा इस वीक में। तो सबसे पहले नंबर पे है अकद अनिश है, जो कि ये कमा है 1,20,750 रुपये एक वीक में। ठीक है, दूसरे नंबर पे है मंगल सिंह है, ऐसे ऐसे करके अब यहाँ आ जाएंगे, यहाँ देगा दिस मंथ, मतलब एक महीने के अंदर कितना इन्होंने कमाया है। तो एक महीने में आप देख सकते हैं अकद अनमिस जो है वो 7,44,250 रुपये कमाए हैं सिर्फ एक महीने में। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसमें कमाने का जरिया बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें आप बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप कमा सकते हैं, इसमें कोई लेकिन नहीं है। ठीक है, आप सबसे ज़्यादा पैसा इसमें अर्न कर सकते हैं।
फ्लैट पहना। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, अपनी कम्युनिटी है, इससे कोई ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। ये दिया है आफलेट पॉलिसी, आप इस पे आप टच करके आप देख सकते हैं कि हम इसके पॉलिसी के बारे में, इसके बारे में जानना हो कि ये कंपनी सही है, गलत है, फेक है, क्या है, ये किसी से अटैच है, अप्रूवल है, नहीं है, इसके बारे में सारा डिटेल्स और डाटा आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारा ट्रेनिंग, ठीक है, इस पे ट्रेनिंग में आएंगे। ये जो ट्रेनिंग में जितनी ये सीरीज देख रहे हैं ना, है सेटअप टू मिलेनियम सीरीज 1.0 है, फिर सेटअप स्टेप टू मिलेनियम सीरीज 2.0 है, ऐसे ऐसे ये जो भी है, ये सारे फेसबुक एड सीरीज है, ये सारे वीडियो हैं, ठीक है। इस पर अगर हम टच करेंगे तो ये जाएगा हमारे साइट पे, देखिए ये सारे आ गए ना। अब इस वीडियो को हमको पूरा गौर से देखना है और इसको सीखना है। देखिए क्या है ना, ऐसे तो हम लोग आईडी जोड़कर किसी को भी पैसा हम लोग बना सकते हैं, लेकिन क्या है, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम सीख लेते हैं, अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट कर लेते हैं, स्किल अगर हम हासिल करते हैं, तो ये हमें हमेशा देगा, जब तक हमारी जिंदगी रहेगी और जब तक हम इस पे काम करेंगे तब तक हमको पैसे मिलते रहेंगे। तो इसलिए आप लोग स्किल पे ध्यान दीजिए। ये जितनी वीडियो है इसको पारा पारी आप देखिए, इसमें से आप नोट्स बनाइए, जो आप देखेंगे कोई भी आप वीडियो देखिएगा तो उसका आप एक पेन ले लीजिए, कॉपी लेकर बैठ जाइए और उसको आप लिख कर एक नोट्स बनाइए, ठीक है, ताकि इसको कैसे क्या, फिर बाद में अगर आपको उस चीज भूले तो आप अपने नोट्स में देख लें, तो आपको पूरी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, उसके बारे में उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि किधर गया, कहाँ है, कितने मिनट पे था, क्या था, नहीं था, इतना ज्यादा टेंशन नहीं करना पड़ेगा। इसमें जितने भी वीडियो हैं आप इन सारे वीडियो को आप देखिएगा, ठीक है। उसके बाद है, ये तो आपको बता दिया, ये सपोर्ट में है, आप यहाँ से सपोर्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ देखिए केवाईसी इशू, जैसे मान लीजिए आपने बैंक अकाउंट नंबर डाला, कुछ डाला और आपका केवाईसी अप्रूव नहीं हो रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो आप यहाँ पे जाकर एक फॉर्म आएगा, उसको आप फिल करेंगे और भेज देंगे कि मेरा केवाईसी इशू है, तो वो आपकी केवाईसी को एक्टिव कर देंगे आपके मेल द्वारा, ठीक है। दूसरा है आईडी एक्टिवेशन, मान लीजिए आपने आईडी को एक्टिव किया और उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो आईडी शो नहीं कर रहा या ओपन नहीं हो रहा, किसी भी तरह का एरर आ रहा, तो आप यहाँ पे जाके आईडी एक्टिवेशन पे आप उसको यहाँ से ओके करा सकते हैं, अपने आईडी को सही करा सकते हैं। अपडेट डिटेल्स, माना कि हमने बैंक अकाउंट नंबर डाला और आईएफएससी कोड गलत डाल दिया या नाम कोई गलत डाल दिया, तो आपका जो भी या आपका अपना प्रोफाइल में जो नाम है वो गलत है, तो यहाँ पे जब अपडेट डिटेल्स पे आप टच करेंगे तो उसमें ऑप्शन है, वहां पे आप जाइएगा, वहां फिल करिएगा और उस चीज को ओके करेंगे, तो ये आपका अपडेट डिटेल्स चालू हो जाएगा, ये आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है। आपके जो भी डिटेल्स होंगे वो सारे आपके अपडेट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया है ना अपडेट डिटेल्स में, आप देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा जूम कर देंगे। वन पे यू नीड टू ड्रॉप ऑन ईमेल फ्रॉम योर कंटेंट ईमेल आईडी टू सपोर्ट द मिलेनियम ट्रैक, तो इसमें जो कुछ हमको देना करना हो, नाम चेंज करना हो, इसमें आप देख लीजिए। और ये जो ये बॉक्स की तरह बना है ना, इसमें नंबर 1, 2, 3 लिखा हुआ है, तो हम इस पे टच करेंगे तो ये जो हमारी चीजें है ना, ये इसके द्वारा हमारा ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे आउट इशू, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे कि अगर हमने अकाउंट में पैसे लगाए वो पैसे नहीं पहुंचे, या हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं तो वो डायरेक्ट आना चाहिए, वो जा नहीं रहा है, किसी वजह से रुका है, कोई इशू है, तो आप यहाँ से अपना इशू क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ऑफर्स पे अगर आप आते हैं तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल है, एक्टिव ऑफर देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या मेरे में ऑफर है। ये माय कोर्स सबसे पहले नंबर पे है, ठीक है। तो हम अपने इस पे आते हैं माय कोर्स पे, तो इस पे भी हम जो कोर्स परचेज किए हैं वो हमको दिखाएगा, ठीक है। ये देखिए, जैसे आप लॉग इन किए होंगे तो ये फर्स्ट पेज खुला था, ठीक है, सेम वही चीज आप यहाँ देखेंगे। जो हमने लिया है डिजिटल मार्केटिंग लिया है,
सॉफ्ट स्किल मनी लिया है, जो भी हमने लिया है उसका ये हमको दिख जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या है, इमरोल देगा, पर्सनल बॉन्डिंग का है, ठीक है, उसके बाद है सॉफ्ट स्किल मास्टरी का है, ठीक है, यहाँ पे बाद यहाँ देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी का है। तो ये जो इसके नीचे जो दिया ना, हर इस पे आप टच करेंगे तो ये इसके बारे में खुल जाएगा, ठीक है। फिर इस पे भी आपको अलग अलग तरीके से वो वीडियो देंगे, दिखेगा, आप वहां से चाहें तो आप अपना बना सकते हैं। तो ये चीज थी फुल डिटेल्स। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप मिलेनियम ट्रेक पर आए हैं तो एक अच्छी प्लेटफॉर्म पे आए हैं, और बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, ठीक है। चलिए फिर रखते हैं, खुदा हाफिज़।